देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के बाजार में अतिक्रमण का जोर। जहां एक तरफ कोविड 19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं हल्द्वानी शहर के अंदर मेन बाजार, सदर बाजार, रेलवे बाजार, कारखाना बाजार में अतिक्रमण के नाम पर लोगों ने 30 फीट की रोड को 10 फुट चेक कर दिया, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हल्द्वानी शहर में कारखाना बाजार, मेन बाजार, सदर बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे दुकान से लगभग 10 से 12 फीट अतिक्रमण कर रखा और उसके आगे ठेले व्यवसायी कॉल लगा दिए गए हैं, जिससे वे लोग से उगाही करते हैं, जिसके कारण आज 30 फीट की रोड केवल 10 फुट की रह गई है। वहीं स्थानीय लोगों को इस अतिक्रमण के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं बाजार के अंदर अग्निकांड हो जाता है तो दिन के समय को फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते बड़ा अग्निकांड हो सकता है। वहीं उप जिलाधिकारी विवेक राय का कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा तथा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने नगर निगम को शिकायत भी की है, लेकिन वे इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर में जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की हमारे यातायात निरीक्षक के स्तर से कार्रवाई की जाती है, उनसे बात की जाएगी। नगर निगम जो है तहवाजारी लेता है, उनसे भी बात की जाएगी। इस चीज़ों को व्यवस्थित कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हमारा व्यापारी बंधुओं से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपनी दुकानों के आगे इस तरीके का अतिक्रमण न होने दें। प्रत्येक दशा में वह ध्यान रखें कि अपनी दुकान के आगे यदि वो किसी को खड़ा करते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी तरफ से भी उनको प्रश्रय मिल रहा है। इसलिए दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसे लोग जो खड़े होते हैं उनको अपने दुकान के आगे नहीं खड़ा होने दें। इस तरीके से खड़े होने वालों से हिंड्रेंस पैदा होता है। आज की कोविड कंडीशंस में और बड़ी समस्या है कि भीड़ भाड़ बढ़ती है, तो इस पर निश्चित रूप से आपने संज्ञान में लाया है तो कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से दिक्कतें लोगों को होती हैं यहाँ पे? लोगों को इससे, एक तो कोरोना जो फैल रहा है, ये इससे, ये दुकानें लगाने से, अतिक्रमण करने से यहाँ आवाजाही बहुत चिपक चिपक के लोग चल रहे हैं, दूरी का वो नहीं हो पा रहा है। और जो अंदर ये दुकानें लगने से जो स्कूटर और इससे लोग आते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होती है, और साथ साथ जो ठेले लगे हैं उससे भी बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। और जो लोग दुकानें बंद हैं उसमें भी अतिक्रमण करवा रखा है। इसका कारण या तो वो पैसा ले रहे हैं या फिर वो क्या कारण है इसको हम नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। ये तो मीडिया के, हमारे आप आए हैं तो आपके माध्यम से ये इसका खुलासा होगा। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।